एवरीवन, वेलकम टू फनेल स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में चैप्टर 12 के प्रश्न उत्तर। कल हमने चैप्टर 12 को रीड किया था, वो समझा था, और आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 103। तो इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया कहानी से, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो इसका उत्तर है, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। फिर दूसरा प्रश्न, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो इसका उत्तर है, दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। उसे लगा कि शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम है, मतलब नहीं कर पाते, इसलिए उसने चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। उसकी ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। फिर आगे मजेदार, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। तो इसका उत्तर है, सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी, वह नहीं चल पाती थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था, और वह जब कभी उसे ऐसा मौका मिल गया, वह सड़क से चहल पहल को देखकर खुश हो जाती थी। फिर आगे प्रश्न है, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें क्या क्या चीज़ नज़र आती है। तो सड़क पर चलते लोग, सड़क पर हम क्या देखते हैं, लोग, सब्जी और फलों के ठेले, साइकिल पर सवार, ताला चाबी बनाने वाले, स्कूटर, बाइक आदि चीज़ें नज़र आती है। फिर लोग क्या क्या करते हुए नज़र आते हैं। तो लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए, स्कूटर, रिक्शा, बाइक चलाते हुए नज़र आते हैं। फिर मनाही, फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया। तो इसका उत्तर है, माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में कि अपंग व्यक्ति के ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना होता है। क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है। फरीदा बहुत छोटी थी, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। यह अगर उसने पूछ ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की। वह जिज्ञासा बस उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है, कौन मना करता है और कब मना करता है। तो बच्चे, इसका उत्तर आप स्वयं लिखना। ओके, फिर आगे हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। कक्षा में प्रवेश करने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने में, कक्षा के बाहर आने के लिए सीढ़ियों से उतरने में, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी। उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो। यस, तो इसका उत्तर है, पाठशाला में रैंप होनी चाहिए। एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम होगा सुनीता जैसे बच्चों की मदद करना। प्यारी सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कई सवाल और बातें भी आई होगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। लेटर लिखना आता है, हमारे एक ग्रामर का टॉपिक भी है लेटर लिखना। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, ऊपर पता लिखेंगे, ए 10 गुरु अनंग नगर, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, दिनांक ये। प्रिय सुनीता, तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है। वह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती और वे सारे काम करने को तैयार रहती जो वे करते हैं। तुम वाकई बहुत पक्के इरादे वाली लड़की हो। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो, उन लोगों का परवाह नहीं करती जो तुम्हें एक टक निहारते हैं।
मैं तुम्हारे शुभ चिंतक हूँ, पत्र का जवाब जरूर देना, तुम्हारी प्रिय सहेली रचना। ये हमारा पत्र है। कहानी से आगे, तो बच्चों आगे दिया गया है, सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। पहला प्रश्न है, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते थे। जैसे प्रश्न है, वे किस तरह की किताबें पढ़ लेते? तो एक अंधे बच्चे होते हैं बच्चों, उनके लिए भी अलग किताब आती है। वे ब्लेयर लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। फिर प्रश्न है आगे, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते, क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकते? तो इसका उत्तर है हाँ, मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम रवि है, वह सुन बोल नहीं सकता है। तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? तो मैं उसके हाथों चेहरों के इशारों से अपनी बात समझाता हूँ। मेरा आविष्कार, सुनीता कई बच्चे हैं, सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते, कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौती के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे उसके बारे में सोचकर बताओ। तुम वह कैसे बनाओगे? उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? वह चीज़ क्या क्या काम कर सकती है? उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। तो इसका उत्तर है बच्चों, मैं एक ऐसी दवा का आविष्कार करूँगा जिसे खाते गूंगे बोलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। तो बच्चों हमने आज प्रश्न उत्तर पढ़े, तो आप भी इस प्रश्न उत्तर को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।